तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और दोस्तों आज की डेट में करीबन 0.71% की तेजी दिखाया है। वन मंथ में देखेंगे तो कोई भी मोमेंटम ज़्यादा नहीं है। छः महीने में देख सकते हो 65% की रिटर्न दिया है। वन ईयर में 75% की रिटर्न। फाइव ईयर देखेंगे तो अभी भी ऐसे 30% गिरता हुआ दिख रहा है फाइव ईयर में। कोविड के टाइम में 157 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अभी देखिए 644 रुपये में मिल रहा है। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे वही 30% की गिरावट में दिख रहा है। दोस्तों 928 रुपये में लिस्टिंग हुआ था 2016 में और इसका लाइफ टाइम हाई देखा होगा 1500 से 1600 के बीच इसका लाइफ टाइम हाई है, लेकिन अभी आधा दाम में मिल रहा है। क्या इसका टारगेट रहेगा? दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इस तरह का शेयर बहुत ही तेज़ी से नहीं भागता है। और दोस्तों आज की डेट में अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा सा डाटा चेक करेंगे, वॉल्यूम तो बहुत ही कम है। 925 इसका हाई है, 317 इसका लो है और आज की डेट में 53% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। 4 अगस्त को रिजल्ट आया था और दोस्तों डिविडेंड 19 में दिया था, उसके बाद डिविडेंड नहीं देता है। प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है। चलिए पूरा डिटेल्स में हम लोग इस शेयर को देखते हैं। तो दोस्तों बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग है। 10,795 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 925 हाई है, 316 लो है, सेक्टर पी 12 है। अगर हम लोग देखेंगे बुक वैल्यू 526 है, ठीक है। अगर हम लोग डिविडेंड देखेंगे एक भी रुपये का डिविडेंड कंपनी नहीं देता। आरओसी 8.74 है, आरओई यहाँ पर 11 है, फेस वैल्यू 10 का है। 68,000 करोड़ का कर्जा लेकर कंपनी बैठा है, उससे कई गुना कम रिजर्व कंपनी के पास है जो कि 8,699 करोड़ का, यानी यहाँ पर हम लोग को फंडामेंटल वीक देखने के लिए मिल गया। और 71,000 करोड़ का रिजर्व का सॉरी एसेट रखा है और वॉल्यूम देख सकते हो 1 लाख का भी वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। फ्री कैश फ्लो जो है वो 6,725 करोड़ का है और अर्निंग जो किया है 3 ईयर में कंपनी वो 3.27% है। अर्निंग पर शेयर 53 रुपीज़ से नेट। तो दोस्तों नेटवर्थ 8,867 करोड़ का नेटवर्थ है और दोस्तों डिविडेंड 1 भी रुपये का नहीं देता है कंपनी। ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, हाउसिंग फाइनेंस, और दोस्तों 6 नंबर पर ये कंपनी आता है। क्वार्टर वाइज अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर वाइज तो जरूर से तेजी है, 130 करोड़ से 235 करोड़ का शानदार तेजी कंपनी किया है। लेकिन ईयर वाइज चेक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि गिरावट, क्योंकि 925 करोड़ से 901 करोड़ का प्रॉफिट, यानी दोस्तों क्वार्टर वाइज तेजी है, ईयर वाइज गिरावट है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपाउंडिंग ग्रोथ 57% है और सीएजीआर 84% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे एसेट में ग्रो हो रहा है कि नहीं दोस्तों, देख सकते हो एसेट में गिरावट है। कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो भी माइनस है। होल्डिंग चेक करेंगे किसके पास कितना होल्डिंग है, तो एफआई वालों के पास दोस्तों देख सकते हो 25% है, प्रमोटर के पास 32% है और दोस्तों डी आई वालों के पास 2.95 है और पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा माल उठा के रखे हैं। तो दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद अगर ये शेयर में आप होल्ड करोगे ज़्यादा समय के लिए, 700 का मैं टारगेट देता हूँ, 700 का टारगेट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। तो होप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।